कोर्ट में बहस के बाद कैंटीन में भिड़े वकीलों के दो गुट पुलिस के पास पहुंचा मामला, जाने फिर क्या हुआ। राजस्व परिषद उत्तराखंड में वकीलों के बीच जमकर झगड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि यहां कुछ वकीलों ने सीनियर अधिकता के साथ मारपीट की है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। मामला पुलिस के पास भी पहुंच गया है। कोर्ट में बहस के बाद कैंटीन में भिड़े वकीलों के दो गुट। उत्तराखंड के देहरादून जिले में वकीलों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले हैं। बताया जा रहा है कि राजस्व परिषद उत्तराखंड में सीनियर वकील के साथ कुछ वकीलों ने ही मारपीट की है। मारपीट की ये घटना मंगलवार 27 अगस्त की बताई जा रही है। इस विवाद के बाद देहरादून में वकीलों ने कार्य बहिष्कार भी किया था। इस मसले पर आज 29 अगस्त को बार काउंसलिंग के वकीलों ने देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने भी मुलाकात की। मारपीट के इस मामले को लेकर बार काउंसलिंग ने दूसरे पक्ष के खिलाफ तहरीर भी दी है। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में बुलाया है। पुलिस ने साफ किया है कि पहले दोनों पक्षों से बात की जाएगी, इसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो एक्शन भी लिया जाएगा। वहीं इस बारे में देहरादून बार एसोसिएशन के सचिव राजवीर सिंह बिष्ट का बयान भी आया है। राजवीर सिंह बिष्ट ने कहा कि रिंग रोड पर स्थित राजस्व परिषद उत्तराखंड में सीनियर अधिवक्ता ने किसी मुकदमे में बहस की थी। बहस के बाद सीनियर अधिवक्ता कैंटीन में जाकर चाय पी रहे थे। उसी मुकदमे में विपक्षी पार्टी, जो खुद ही वकील हैं और लक्सर के रहने वाले हैं, वो अपने साथ कुछ लोगों को गाड़ियों में लेकर आए। आरोप है कि लक्सर के वकील ने अपने साथियों के साथ देहरादून के सीनियर अधिवक्ता से कैंटीन में मारपीट की। आरोप ये भी है कि आरोपियों ने सीनियर अधिवक्ता को गाड़ी में उठाकर ले जाने का भी प्रयास किया। विवाद बढ़ा तो अन्य वकील बीच बचाव में आए, इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। देहरादून बार एसोसिएशन ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की है। पूरे मामले को लेकर देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि बार काउंसलिंग के कुछ वकीलों ने उनसे मुलाकात की है। इस मामले में उन्होंने रायपुर थाने में पुलिस को तहरीर भी दी है। दूसरा पक्ष भी वकील ही है। दोनों को समय दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है, उसके बाद ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा।